हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा ख़राब है, सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। यहाँ पे आज बात करेंगे हम राहुल के बारे में। कविता कौशिक जब से घर के अंदर आई है, अली गोनी जब से घर के अंदर आए हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों की फ़ाइट तो हुई थी, लेकिन एक ग्रुप सा भी बन गया है जिसमें राहुल वैद्य ऐड हो चुके हैं। अली गोनी की हम बात करें तो आपको पता है अली गोनी बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं, और इस तरह से वो गेम खेल रहे हैं कि उन्होंने राहुल को अपना पपिट बना लिया है। जो राहुल कह जो अली कहते हैं वही राहुल करते हैं। राहुल के सिर्फ मुद्दे नहीं बचे हैं, वो बीच बीच में रूबीना को पोक करेंगे, कभी गदी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, बीच बीच में अभिनव को पोक करेंगे, क्योंकि क्योंकि दिखना है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। रूबीना के लिए कह देंगे, रूबीना की फ़ाइट में और जैस्मिन की फ़ाइट में बीच में कुछ हमें देखने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसा मुद्दा ही नहीं इनके पास बचा है कि ये कोई टॉपिक उठा सके। इन्होंने कुछ टॉपिक बीच में उठाए थे, जैसे कि नेपोटिज्म वाला हो गया, काफ़ी ने वाई वाई मिली थी, फिर इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया था, बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ किया था, वहाँ से मिली थी, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर बस इनका यही दिखा कि वो नीके के पीछे पड़े रहते हैं, रूबीना के पीछे पड़े रहते हैं, अभिनव के पीछे पड़े रहते हैं, इनकी कोई इंडिविजुअलिटी दिखाई ही नहीं दे रही, कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा दिखाई ही नहीं दे रहा, जिस तरह से रूबीना का है, जिस तरह से जैस्मिन रूबीना के साथ भिड़ रही है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। और वहाँ से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब टॉप की गेम से राहुल कहीं ना कहीं बाहर होते जा रहे हैं। अभी भी इनको कमबैक के लिए एक स्ट्रॉन्ग मुद्दे की ज़रूरत है, वो इन्हें मिलता है तो ये फिर से गेम में वापस आएंगे, जिस तरह से कविता कौशिक ने अपनी कमबैक किया था। कुछ नहीं होगा, मैं फिर से ये कह सकता हूँ, कुछ नहीं होगा बार बार नल्ला 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 कह के अभिनव को, ऑडियंस ये देख के खुश नहीं होगी। आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा रखना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए कि आप किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। नल्ला होने से लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल को ये समझना पड़ेगा। मैंने ये सोचा था कि राहुल गेम जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 3 हफ्तों से खेला है, वो बहुत डाउन जा चुके हैं। आपको इस पर क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। पूरी गेम दो ही लोगों के अराउंड घूमती हुई दिखाई दे रही है, जैस्मिन और रूबीना।